हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी मैंने ब्लीच करी थी, जिसकी पूरी वीडियो मैंने शूट करी है। बहुत ही बढ़िया ब्लीच थी। काफ़ी टाइम से मेरे इधर के ना बाल जो थे मुझे ब्राउन ब्राउन से करने थे, गोल्डन से, तो ब्राउन ब्राउन से हो गए, हल्के से नेचुरल से टाइप के, है ना। ये देखो, मेकअप वेकअप करते थे ना तो यहाँ से वैसे रखते थे। और ये क्या कहते हैं, यहाँ से जो साइड लॉक्स वगैरह ना, इसको बहुत ज़्यादा किसी का तो वैक्सिंग भी करा सकते हैं। मैं तो हल्का फुल्का ब्लीच करती हूँ, मेरा तो इससे काम चल जाता है। तो ब्लीच करने के बाद में ना मैं फेशियल भी करूँगी, तो आज मैं फेशियल कर रही हूँ। ये वाइन अल्ट्रा ग्लो फेशियल किट मेक्स योर स्किन फेयर, लश्कर एंड ग्लोइंग। मैं तो ना वहाँ से गई थी ना, प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपो प्रगति मैदान में जो लगा था, वहाँ से मैं लाई थी मेवॉन प्रोफेशनल किट। वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई फेमस कंपनी नहीं है ये, पर इसका जो ब्लीच है, मतलब ब्लीच नहीं कह रही हूँ, सॉरी, इसका जो फेशियल है ना, मतलब फेशियल बहुत अच्छा। बड़ी फेमस तो नहीं है, जैसे उसकी होती है नेचर्स की फेमस है, लोटस की फेमस है, इनकी फेमस है, तो वो तो बहुत अच्छी है ही है, लेकिन ये फेमस नहीं है। लेकिन फिर भी इसका जो क्रीम, जो प्रोडक्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। ग्लो बहुत अच्छा आता है, इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। तो ये है, तो अगर ये इजीली मिल जाती है तो ये भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर लोटस की या नेचर्स की जो होती है ना, गोल्ड फेशियल वगैरह, वो भी बहुत सही रहते हैं। मैं सोचू भी मेरा खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद देखती हूँ कोई अच्छा सा मार्केट में बढ़िया फेशियल जो चल रहा होगा ना, वो वाला, फिर क्योंकि ये वाली पहले किट खत्म हो जाए। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 किट पड़ी हुई है, फिर खत्म हो जाएंगे ना, फिर एक और बढ़िया फेमस वाली किट लेके आऊंगी। ठीक है, तो अभी इसमें जो है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फेमस नहीं है ज़्यादा ये है। इसमें जो है इस तरह से किट है, इसमें फेस वॉश दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप है क्लिंजर, ये सारा मैं दिखाती हूँ कौन कौन सा है। फर्स्ट स्टेप है इसका क्लिंजर का, ये इस तरह से हम क्लिंजिंग करेंगे इससे। सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग का, सब इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कौन सा क्या है। ये 1,000 रुपये इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल गई थी, 50% समझ लो। और ये क्रीम है, थर्ड स्टेप इसके ऊपर लिखा हुआ है कौन सा स्टेप है। ये फोर्थ स्टेप है जेल का, ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन पे बहुत ज़्यादा जेल की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली विंटर्स में। समर्स में तो फिर भी यूज़ कर ले, तो जेल लेना भी तो थोड़ी क्वांटिटी में ले लो। ऑयली स्किन पे जेल बहुत अच्छा जाता है। ऑयली स्किन पे अगर हम फेशियल कर रहे हैं तो फिर हम क्रीम क्वांटिटी बहुत कम लेंगे, जेल अच्छी क्वांटिटी में लेंगे। अपोजिट वाइस वर्सा, अगर हम ड्राई स्किन पे फेशियल कर रहे हैं तो जेल की क्वांटिटी बहुत कम लेंगे और क्रीम की सही लेंगे, क्रीम की अच्छी लेंगे। और स्टेप 5 है ये हमारा पैक का। तो लेट्स डू द फेशियल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट टू द वीडियो। इसको तो टाइप कर लेती हूँ बालों को, बैंड वगैरह भी लगा सकते हैं, पर वो बैंड और गंदा हो जाता, तो इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ। हेयर कलर भी लगाने वाला हो रहा है, इस बार सोचे बाहर से लगाती हूँ, इस बार वगैरह करा के आती हूँ, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सारा जो मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं ना अभी आपको, ये सारे मैंने ये प्लेट में निकाल के रख लिए। क्रीम जेल स्क्रब वगैरह सब कुछ। सबसे पहला था हमारा क्लींजर, ये रहा हमारा क्लींजर। आई ठंडा ठंडा कुल कुल लग रहा है। अब थोड़ा सा मौसम सही हो गया ना, तो एटलीस्ट स्वेटर वेटर उतार सकते हैं, नहीं तो भैया इतनी ठंड थी एक महीने से, तो इतनी बुरी लगती है ना मुझे ठंड, इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, स्वेटर, जुराब, जैकेट, टोपी, आफत। गर्मियों में होते हैं ना, धीरे धीरे सब उतरेंगे, ये जुराबे टोपी। धूप में बैठ बैठ के ना टैनिंग और होगी मेरी, इधर ऐसे बैठती थी धूप में, इधर इधर की साइड हो गई। अभी वो ब्लीच व्लीच करा ना उससे, तो काफी हद तक मुझे सही लग रहा है। हाय सही है फेशियल तो।
सेकेंड स्टेप है हमारा स्क्रबिंग का, अब हम स्क्रबिंग करेंगे। ब्लीच फेशियल तो कर लिया, वो वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, वैलेंटाइन डे मेकअप लुक क्रिएट करूँगी, वीडियो शूट। ड्रेस समझ में नहीं आ रही कौन सी पहनूँ, काफ़ी सारी रखी हैं, देखती हूँ कौन सी वाली पहनती हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा ना ब्लैक हेड्स हैं नहीं है, जिसके ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं ना वो एक गर्म टॉवल लेके, स्टीम लेके, ऐसे स्टीम लेके ब्लैकेट्स भी निकाल सकते हैं स्क्रबिंग के बाद में। मेरे बहुत ज़्यादा है नहीं, जो थे थोड़े बहुत वो स्क्रबिंग से निकल गए, अब हम क्रीम लगा लेंगे, क्रीम से मसाज कर लेंगे। स्टेप्स बताओ, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सबसे पहले पता मेरी फेशियल वाली वाली वीडियो वायरल हुई थी आज से 5 साल पहले, उस पर अभी 5.2 मिलियन व्यूज हैं। उसके बाद से मैं इतनी सारी फेशियल वीडियोस बना चुकी, कम से कम 500 वीडियोस होंगे मेरे चैनल पे सिर्फ फेशियल की, कम से कम टोटल तो 1.3K वीडियोज़ हैं मेरे, 1000 से भी ज़्यादा वीडियोज़। इतना ब्यूटी का इतना कंटेंट होता है, इतना कंटेंट जितना मर्जी क्रिएट कर लो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इतना सारा है। क्योंकि इसमें एडवांसमेंट मतलब नई नई चीज़ें आती रहती हैं ना, इसलिए इसका कंटेंट हमेशा चलता रहता है। जेल ना इसके ऊपर ही लगा लेती हूँ, इसको जेल भी इसके ऊपर ही लगा लेती हूँ, इसको हटाती नहीं क्रीम को, साथ साथ जेल की साथ साथ क्रीम की मसाज हो जाएगी।
भी हमारे लिए चम्मच। लास्ट पैक लगाएंगे। क्रीम वाला चम्मच आँख में मार लिया मैंने। अरे क्रीम मेरी आँख में चली गई। चलो बस लास्ट वाला, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। फिर लास्ट पैक लगा रही हूँ, बस देख लो लाइव रिजल्ट्स देख लो। बहुत अच्छा फेशियल है, अच्छा खासा ग्लो आ गया। क्वांटिटी भी मैंने काफ़ी सारी ली है, ठीक है। लास्ट बस पैक लगाया है, इसको 10-15 मिनट लगा रहने दूँगी। 10-15 मिनट तो ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 5 मिनट लगा रहने दूँगी। 2 मिनट इसकी मसाज करूँगी बस, इसको फिर वॉश कर लूँगी। टाइम बताओ क्या हुआ पहले। बोलते नहीं हो, मैं इतना बोल बोल जा रही हूँ, बोल तुम तो बात नहीं नहीं करते। बोले करो ना, जब देख रहे हो तो बात भी कर लो थोड़ी सी, की फर्क पैंदा है। अरे हाथ हाथ सब भर गए मेरे। चलो थोड़ा सा बस ऐसे ही पैक हटा के दिखा देती हूँ, फिर वीडियो बंद करते, फिर बाद में वॉश वॉश करती रहूँगी, ठीक है। ये देखो नो डाउट बहुत ही बढ़िया फेशियल है ये, ठीक है। फिर हाथ भर लिए। जान से पहले वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर। बाय, आई लव यू, टेक गुड केयर ऑफ यू। तुम कहोगे सारी क्रीम लगा दी मुंह पे हमारे चुम्मा करते हुए।